तो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आरवी पब्लिक स्कूल क्लास 4 कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी बुक का देखेंगे फर्स्ट पेज तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड पेज में कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। कंटेंट में सारे चैप्टर्स होते हैं हमारे, कौन सा चैप्टर किस पेज पर है ये हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारे टोटल 8 चैप्टर्स हैं, क्लियर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो है इसका नेम क्या है, कंप्यूटर इनसाइड द सिस्टम यूनिट। मीन्स क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर, इनसाइड द सिस्टम यूनिट। देखो सिस्टम यूनिट जो होता है, जो आपने अपना सीपीयू देखा होगा उसको ही हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं। अब सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रोसेस होती है, इससे रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स जानने को मिलेंगे इस चैप्टर में, क्लियर। तो अ सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स लाइक केस स्टैंड नियर द मॉनिटर। जो सिस्टम यूनिट होता है एक बॉक्स लाइक केस होता है जो कि मॉनिटर के साइड में रहता है। कई बार क्या होता है कि जो सिस्टम यूनिट रहता है ना वो मॉनिटर के नीचे भी रहता है। सम टाइम्स सिस्टम यूनिट आर आल्सो प्लेस्ड बिलो द मॉनिटर। जो पुराने जमाने के कंप्यूटर थे बेसिकली उसमें देखा होगा आपने कि मॉनिटर के नीचे उसका सीपीयू रहता था, ठीक है। सिस्टम यूनिट जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर के लिए, क्योंकि एक तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डैमेज होने से बचाता है हमारे को, ओके। इट इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर केस, इसको हम कंप्यूटर का केस भी बोलते हैं, क्लियर। सो बहुत से वर्क होते हैं और बहुत से कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर इस सिस्टम यूनिट के अंडर में आते हैं, जो मदरबोर्ड वगैरह। सबसे पहले हम बेटा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, है ना। अगर आपको चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज, क्लियर। सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में सबसे फर्स्ट जो है डैश प्रोटेक्ट द इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम डैमेज। ये हमारे इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो फर्स्ट का तो हम, मुझे लगता है अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्लियर। फर्स्ट का हो गया। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में लिखा है डैश कंट्रोल ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर के हर पार्ट को कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कौन हमारे कंप्यूटर के हर पार्ट कंट्रोल करके रखता है, वो होता है हमारा सीपीयू। क्या होता है सीपीयू, सीपीयू कंट्रोल ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में लिखा है स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन। जो सीपीयू की स्पीड है वो हम किस में मेजर करते हैं, तो वो हम मेजर करते हैं, देखिए थर्ड का जो आंसर हो जाएगा ना MHZ मीन्स होता है मेगाहर्ट्ज, है ना। CHZ में जो होता है गीगाहर्ट्ज, है ना। तो हम दोनों में ही मेजर कर सकते हैं, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर। तो हमारे थर्ड का आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ पे। डैश इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये फिफ्थ का जो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा रैम। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, तो बी हो जाएगा फोर्थ का बी, क्लियर। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। फैन फिटेड इनसाइड द डैश कीप द पावर सप्लाई कूल। जो फैन, कई बार आपने देखा होगा कि फैन फिट रहता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो वो उसको प्रोसेसर को क्या, या फिर जो भी उसके अंदर की सप्लाई जो रहती है उसको ठंडा रखने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा SMPS, fan fitted inside the SMPS keep the power supply cool। तो fifth का answer हो गया हमारा B। इसको मैं tick कर देता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया मैंने tick, clear। sixth पे आ जाओ। sixth में क्या लिखा हुआ है देखो, dash drives are used for holding data and instruction for future use। ये वाली जो drive होती है वो हमारे data को hold करके रखता है, जिसको हम future में use कर सकते हैं या instruction को फिर से फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो सिक्स्थ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डिस्क ड्राइव, क्लियर। तो ये हो गया सिक्स्थ का आंसर। तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम आएंगे बी वाले पार्ट पे, क्लियर। बी पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। टी लिखना है ट्रू के लिए, एफ लिखना है फॉल्स के लिए। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है मदर बोर्ड इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम बोर्ड। मदर बोर्ड के लिए हम सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रू,
ना, मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी बोल सकते हैं। सेकंड जो है इसमें लिखा हुआ है मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन MHz, है ना। तो मेमोरी कंप्यूटर की जो है वो कि हम मेजर कर सकते हैं मेगाहर्ट्ज में, तो ये हम मेमोरी नहीं करते हैं, MHz होती है हमारी स्पीड ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी नहीं होती है, इस वजह से ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर। तो ये MHz से हम स्पीड करते हैं मेमोरी नहीं। आगे बढ़ते हैं, रैम स्टोर्स डेटा परमानेंटली। रैम जो रहता है वो डाटा को हमारा परमानेंटली स्टोर कर लेता है क्या? तो ये फॉल्स है, टेम्परेरी करता है ना, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा थर्ड वाला। फोर्थ पे आ जाते हैं, फोर्थ में लिखा हुआ है देखो क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव रीड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन CD एंड DVD। हार्ड डिस्क ड्राइव जो रहती है वो इंफॉर्मेशन को रीड करती है और स्टोर करवा देती है डाटा DVD या CD में, नहीं तो ये गलत है हमारा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, वो खुद में ही स्टोर कर लेती है ना, उसके लिए DVD और CD की जरूरत नहीं होती है। आगे पढ़ते हैं फिफ्थ वाले में, एन एडेप्टर कार्ड इज फिटेड इन सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड। जो एडेप्टर कार्ड होता है जो फिट होता है सॉकेट मदरबोर्ड के, तो ये हमारा ट्रू, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू, दिस आंसर इज ट्रू। आगे आते हैं, बी पार्ट हो गया, अब सी पार्ट में आ जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट का ए फर्स्ट में देखते हैं। अ डैश इज अ लार्ज सर्किट बोर्ड इनसाइड अ सिस्टम यूनिट। ये जो रहता है एक बहुत बड़ा सर्किट बोर्ड होता है जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, तो ये तो हमें पता है मदर बोर्ड ही होता है, तो मैं यहाँ पे मदर बोर्ड लिख देता हूँ, MOTHERBOARD। क्लियर। सो ये हो गया हमारा आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, CPU इज ऑल्सो कॉल्ड। जो हमारा CPU रहता है उसको हम और क्या कह सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसर, इधर पे मैं लिख देता हूँ PROCESSOR, प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ये लिख दिया। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड में लिखा हुआ है डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी। इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, तो रैम को बोलते हैं, इसको रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, एन डैश एनहेंस द फंक्शनैलिटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी जो कंपोनेंट की होती है कंप्यूटर की, उसको एनहेंस करके रखता है, तो ये कौन होता है हमारा, एडेप्टर कार्ड होता है। कौन होता है, एडेप्टर कार्ड। तो यहाँ पे मैं फोर्थ का आंसर लिख देता हूँ, ADAPTER, एडेप्टर CARD कार्ड। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का। फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ में लिखा हुआ है डैशबोर्ड इज यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड नेटवर्क केबल। ये वाला जो पोर्ट है इसको हम यूज करते हैं इंटरनेट या फिर नेटवर्क केबल को कनेक्ट करने के लिए, तो ये होता है हमारा नेटवर्क पोर्ट। क्या हो जाएगा, नेटवर्क पोर्ट, NETWORK। सी हो गया। अब डी पे आ जाते हैं, डी में देखो क्या लिखा हुआ है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। जो भी इनके फुल फॉर्म है ये हमें लिखने हैं। सबसे पहला है CPU, CPU का फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर सेकेंड होता है रैम, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सब जानते हैं। थर्ड है रोम, रोम का भी जानते हैं रीड ओनली मेमोरी, और फोर्थ का जरूर नहीं जानते हो तो वो जान लो, SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्लियर, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसके बाद आ जाते हैं हम ई वाले पार्ट पे। ई पार्ट में क्या है हमारा, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग मीन्स, अंतर बताने, डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले रैम है, फिर रोम है। तो रैम क्या होती है हमारी, इट इज कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी। रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जो कि स्टोर करते हैं डाटा इंस्ट्रक्शन को टेम्परेली इन द कंप्यूटर, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर के लिए स्टोर करके रखती है डाटा को रैम। रोम क्या होता है, इट इज रीड ओनली मेमोरी। ये जो रहता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है, विच द इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड बट नॉट मॉडिफाइड। जिसकी इंफॉर्मेशन को आप बस पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ चेंजेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये आपको परमिशन नहीं रहती है। रोम से छेड़खानी आप नहीं कर सकते हैं चाहे के भी, लेकिन रैम में मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। एफ पार्ट पे आ जाते हैं, देखो ई पार्ट में बस एक ही हमें डिफ्रेंशिएट करना था। एफ पार्ट में क्या है देखो, इसमें लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर देना है क्वेश्चन आंसर्स के। सबसे पहला है व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट से आप क्या समझते हैं,
तो सिस्टम यूनिट जो होता है वो बॉक्स लाइक केस होता है जो कि मॉनिटर के पास में रहता है, स्टैंड नियर द मॉनिटर। सम सिस्टम यूनिट ऑल्सो प्लेस बिलो द मॉनिटर। तो सिस्टम यूनिट इज अ बॉक्स लाइक स्केट दैट स्टैंड नियर द मॉनिटर एंड सम सिस्टम यूनिट ऑल्सो प्लेस बिलो द मॉनिटर। और ये हमारे इंटरनल कंपोनेंट जो रहते हैं ना उनको प्रोटेक्ट करके रहता है, करके रखता है। तो इसका तो आंसर अगर आप चाहें तो हमारी बुक में जो सबसे पहला पेज है ना, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है, तो ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं पहली दो लाइन। आगे बढ़ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, राइट एनी टू यूजेज ऑफ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर में हमारी कंप्यूटर में मदरबोर्ड होती है ना उसके दो यूजेज लिखने। तो सबसे पहले इट होल्ड मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सच एज सीपीयू। तो मदरबोर्ड सीपीयू को होल्ड करके रखती है या फिर अलग अलग और भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज करके वो रखती है, क्लियर। सेकंड है प्रोवाइड कनेक्टर फॉर अदर एक्सटर्नल डिवाइस लाइक माउस कीबोर्ड, है ना। और ये कनेक्टर भी प्रोवाइड करवा के रखती है अलग अलग एक्सटर्नल डिवाइसेस को, जैसे कि माउस कीबोर्ड मॉनिटर, है ना। जो माउस के जो पॉइंटर होते हैं ना जो हम लगाते हैं सीपीयू में, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, हमारी मदरबोर्ड से, क्लियर क्लियर। अब देखो हम करते हैं थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीड ऑफ सीपीयू, है ना। क्या सिग्निफिकेंस है हमारी स्पीड ऑफ सीपीयू का, कि कितनी उसकी स्पीड है, या हमें कैसे पता चलता है। द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़। जो हमारी सीपीयू की स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में हम मेजर करते हैं। द फास्टर द स्पीड ऑफ द सीपीयू द फास्टर द कंप्यूटर ऑपरेट। जितनी तेज स्पीड होगी कंप्यूटर की, सीपीयू की, उतना ही तेज हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि जितना अच्छा सीपीयू होगा उतना ही तेज हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला आंसर बच्चों। फोर्थ वाले में देखते हैं, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, देखो What are the uses of ports? Ports के क्या क्या uses हैं? Write down the names of some ports. अब कुछ ports के name भी हमें यहाँ पे बताने हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले plugs are number of holes and slots which you plug in the computer device. Okay. तो यहाँ पे क्या है, plugs जो रहते हैं वो number of holes होते हैं जो कि slots होते हैं, है ना, जो कि जिससे आप plug करते हैं computer device को, clear? इसमें थोड़ी सी मैंने चेंज किए हैं, पहले हम थोड़ा इसको रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, पोर्ट्स आर अ नंबर ऑफ होल्स एंड स्लॉट्स व्हिच यू प्लग इन द कंप्यूटर डिवाइसेस। ओके, द बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट कंटेन पोर्ट्स। जो पोर्ट्स होते हैं जो कुछ आर अ नंबर ऑफ होल्स, है ना। इसमें देखिए पोर्ट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, अलग अलग होल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं, कनेक्ट करते हैं। और जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे पोर्ट्स बैक ऑफ द सिस्टम यूनिट में। लैपटॉप में हमारे लिए साइड में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर अपन डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर देखें तो उसमें सिस्टम यूनिट के पीछे हमें देखने को मिलते हैं पोर्ट्स। सम पोर्ट्स आर डिस्प्ले पोर्ट। कुछ पोर्ट के नेम क्या ले सकते हैं हम, डिस्प्ले पोर्ट होता है, ऑडियो पोर्ट होता है और पावर पोर्ट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर किसका, फोर्थ वाले पार्ट का। और इस तरह से हमारा एफ वाला पार्ट भी कंप्लीट। जी वाले पार्ट का मैंने आंसर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक्टिविटी सेक्शन में यहाँ पे हमारे लिए पजल दी हुई थी, इसको मैंने आंसर लिख दिए हुए हैं। देखो सेशन फर्स्ट वाला देखें, ऑल्सो नोन एज मेन बोर्ड, है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर देखो यहाँ पे इसमें आ जाएगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड के नेम से जानते हैं। सेकेंड देखें, यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये यूज किया जाता है डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो ये हार्ड डिस्क हो जाएगी, क्लियर। तो इस हिसाब से मैंने ये पूरे फिल कर दिए हैं। ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू, इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने पूरे फिल कर दिए हैं, ये आप थोड़ा सा रीड करना खुद से, क्लियर। और इसी तरह से अगर आप एक्टिविटी देखें तो अलग अलग पोर्ट बनाए गए हैं यहाँ पे, और पोर्ट के हमें नेम यहाँ पे लिखने हैं। तो ये भी मैंने पूरे फिल कर दिए। देखो जैसे फर्स्ट वाला जो है ये VGA पोर्ट है, सेकंड वाला जो है ये स्पीकर पोर्ट है, थर्ड वाला जो है वो पावर पोर्ट है, फोर्थ ये पीछे से देखें तो HDMI पोर्ट है, फिर ये वाला जो है वो USB पोर्ट है, और लास्ट वाला है ये नेटवर्क पोर्ट है। तो इस तरीके से हमने ये पोर्ट को भी मैच आउट कर दिया। तो ये हो गए हमारे पूरे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 1 क्लास 4 के। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं।
सारी वीडियोस कवर करेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी पसंद आया वीडियो में, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।